सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल में आपने देख लिया है। सो ये जो वाइजर पार्ट है, सो इसके यहीं से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आते हैं। सो आज अपन यही करने वाले हैं, इसको वाइब्रेशन फ्री करने वाले हैं। सो पहले मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप लगा रखा था, जो कि वाइट वाइट पूरा दिखता है। सो इसलिए अपन यहाँ पर अभी एक क्रीम लगाने वाले हैं। सो ये है वो क्रीम जो होने वाली है। सो ये गैस्किट वाली सिलिकॉन क्रीम है। सो इसमें क्या होता है, ये सूखकर डायरेक्ट यहाँ पर, मतलब जहाँ भी लगाते हैं अपन, वहाँ पर रबड़ बन जाती है। सो ये वाली क्रीम लगाएंगे और देखते हैं वाइब्रेशन ख़त्म होते हैं या नहीं। सो अप्लाई करते हैं इसको। सो सबसे पहले अपने को हेड खोल लेना है इसका। सो ये दो स्क्रू होते हैं, एक इस साइड और एक साइड। सो दोनों रिमूव कर लेने हैं और जस्ट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको खींचना है। सो कुछ इस टाइप से पूरा हेड निकल जाता है। सो ये डबल साइड टेप आप देख सकते हो, वाइट वाइट पूरा दिखता है। सो यही वाले जो पार्ट है, लेयर आप देख सकते हो। सो यहीं पर लगाने वाले हैं। सो इसमें ऐसा पेस्ट होता है। सो ये दूसरे कलर में भी आती है। सो आप ब्लैक कलर में ले आना। सो ये पेस्ट निकलता है इसमें से, जिसको अपने को अप्लाई करना है यहाँ पर कुछ इस टाइप से। सो ये इस टाइप से अप्लाई हो जाएगी और रबर बन जाएगी। सो पूरे में अप्लाई कर लेता हूँ मैं। सो क्रीम लगा दिए, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से लगा दिए पूरे हेड पर, ये जहाँ भी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी लगा दिए ताकि वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर कुछ पार्ट छूट गया होगा हल्का हल्का सा, सो ये उसको कवर कर लेगा। सो कुछ इस टाइप से हो जाता है ये। और इसको 6 से 7 घंटे तक सूखने देना है, उसके बाद प्रॉपर स्टोर करना है। सो जिस टाइप से हो जाता है ऐसे ही। और ये सिलिकॉन क्रीम आती है 50 से 60 रुपीस की। सो इतने में यहाँ पे काम होने वाला है। वाइजर फिट कर लिया अपन ने, और आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से फिटिंग आ गई है इसकी, और सिलिकॉन क्रीम पूरी सूख चुकी है। सो फिट करने के बाद कुछ इस टाइप से लुक आ रहा है इसका, और आगे के दो नट बोल्ट होते हैं ये वाले, टाइट कर लिए हैं। सो इसी की मदद से अच्छे से टाइट हो गया ये। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।